हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आलू पराठा बनाई थी, तो वही मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो मैं आलू छिलके उबाल के छिलके रख ली, हरी मिर्च, मेथी पत्ता, यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला, मिर्ची मसाला, नमक, मैं एक दो लहसुन काट के रख दी थी। चोखा बना करके रेडी कर ली हूँ, आटा भी लगा ली हूँ, मेरा तवा भी गर्म हो रहा है, मैं तेल भी एक जगह रख ली हूँ। देखिए मेरा बेटा मम्मी मुझे तंग कर रहा है बाहर जाने के लिए, गेट खोलने के लिए। मैं इसको गेट बंद कर देती हूँ तो बाहर नहीं जाता है, बाहर जाता है तो सब कोई मोहल्ले के बच्चा सब गाली वाली सिखा देता है, इसलिए कोई है नहीं तो इसलिए मैं इसको बाहर जाने नहीं देती हूँ। तो ये मुझे तंग कर रहा था, गुस्सा भी हो रहा था। देखिए दो रंग का ये पैर में पहने हुआ है, जो मिलता है उसको पहन लेता है बच्चा। यहाँ पर मैं रोटी बेल करके, वही चोखा भर करके रोटी बेल करके, ये मैं वीडियो नहीं, एक हाथ से मुझे वीडियो बनाना पड़ता है और रोटी भी बनाना पड़ता है, तो नहीं बनता है बनाने में। तो ये मैं नहीं बताई हूँ बेलते हुए, फिर भी मैं बता जैसे इसके बाद बता दूँगी। रोटी दिखे, मैं मीडियम आंच पे इसको सेक रही हूँ, न ज़्यादा तेज़ रहता है आँच और नहीं ज़्यादा धीमा रहता है। और मैं यहाँ सरसों तेल लगा रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे शायद, हाँ बहुत दिन ही हो गए थे, पिछले साल ही अपने हाथ का जो बनाए हुए थे ठंडी महीना में वही खाए हुए थे। तो अभी ये मैं बना रही हूँ, ये ठंडी का फर्स्ट ये आलू पराठा है मेरे यहाँ, इसके बाद बनते ही रहेंगे मगर ये फर्स्ट है। तो मैं यहाँ पे रोटी बना के रख रही हूँ। तो मेरे यहाँ खाने में सुबह का सब्जी है, बैंगन आलू का सब्जी है, तो वही बचा हुआ है, वही सब कुछ खाएगा। पराठा है, दही है, अपना जो चाय बनने के लिए दूध आया था तो वही दूध से हम दही जमा दिए थे, तो वही उसी में दही देंगे और ये पराठा बना के दूंगी। पराठा, दही और सुबह का सब्जी और हरी मिर्च वह है, तो वो मैं तवा पे भून लूँगी, हरी मिर्च, नमक रख के तब मैं दूंगी। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे भरती हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे गोल गोल करके कटोरी टाइप का बना लेती हूँ आटा का, उसमें तब चोखा रख करके तब भर के तब बेलती हूँ। तो देख लीजिए मैं कैसे बेल रही हूँ, कैसे भर के बंद करके। हाँ आप लोग को एक बात भी कहना है, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरा बहुत ज़्यादा अन हो रहा है, जितने बढ़ते नहीं हैं उतने घट ही जाते हैं, बढ़ते हैं बस एक दो घंटा के लिए रहते हैं फिर घट जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, मेरा ज़्यादा व्यू नहीं जाता है, जितने सब्सक्राइब है उतना भी नहीं जाता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए मैं ये बेल करके फिर तवा पे रख दी हूँ, तो मैं इसको भी इधर पका के एक रखी हुई है, इधर बता रही, तो मैं सारा पका के रख दी थी। मैं तवा पे तेल रख करके मिर्ची को काट काट के भून रही हूँ। देखिए मेरे यहाँ का यही सिंपल सा आलू पराठा के साथ हम लोग सब्जी वब्जी, अगर चोखा बच जाता तो हम लोग चोखा के साथ खा लेते हैं, नहीं बचता है तो कोई बात ही नहीं है, कभी कभी बनता है। देखिए मैं अपने हस्बैंड को खाना दूंगी, आलू पराठा है, दही है, आलू बैंगन का सब्जी है, वहाँ पे मिर्ची रख दी हूँ, प्याज काट के रख दी हूँ।